देखिए, आपने बहुत सही सवाल पूछा है, क्योंकि आप देखेंगे जो हमारा नदर्न फ्रंट जिसको हम बोलते हैं, ये हमारा हाई एल्टीट्यूड एरिया है। हाई एल्टीट्यूड में जितना जवान है, जितना यंग है, उतना वो ज़्यादा फिट माना जाता है। तो जैसे ही उम्र ढलती जाती है, उसमें आप देखेंगे कि हमारी जो हाई एल्टीट्यूड की परेशानियाँ हैं, वो हमारी शारीरिक क्षमता में थोड़ी कमी लाती है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अग्निवीर तो एक बहुत अच्छी स्कीम हमारी जो हमने रीबैलेंसिंग की है, जिसको हम बोलते हैं नदर्न फ्रंट की तरफ, ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। नया खून लाएगा, नए जवान आएंगे, और उनकी जो एक हमारी एक ताजगी है, वो हम लोगों में एक कामयाबी पैदा करेगी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भारत देश इतना बड़ा सिविलाइजेशन है, तो अगर आप लंबे रास्ते में देखिए, अगर 4 साल वो ट्रेनिंग करेगा तो वो हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। आप देखिए, एक जिम्मेवार नागरिक बनेगा। मैं तो आपको ये तक उदाहरण दे रहा हूँ। आप देखिए, कहीं पर जैसे क्राइम हो रहा होता है कहीं भी, तो लोग क्या करते हैं, अनदेखा करके एक तरफ चल देते हैं। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब ये अग्निवीर कहीं सड़क पे चल रहा होगा और किसी के साथ भी नाइंसाफी हो रही होगी, कोई लड़की किसी को छेड़ रहा होगा, तो आप देखेंगे कि अग्निवीर आगे बढ़ के उसको रोकेगा और ये यकीन दिलाएगा कि जो उसकी आर्मी सर्विस है वो काम आएगी इस चीज़ के लिए। जहाँ तक ये है कि क्यों नेगेटिव में जा सकते हैं, देखिए, हमारी कोशिश ये है कि ये जो 4 साल की ट्रेनिंग लेगा, इसके बाद ये होल ऑफ नेशन अप्रोच जिसको हम बोलते हैं, आज ही आप देखिए, अभी मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि जो हमारे पुलिस है उसमें हम इसको प्रायोरिटी देंगे। हमारे होम मिनिस्टर जी ने बोला है, अभी अमित शाह जी ने ट्वीट किया है कि हम ऑलरेडी स्कीम बना रहे हैं कि हम इनको कैसे प्रायोरिटी देंगे CFPF में जो लोग होंगे। उसी प्रकार से एक हमारी भारत फौज बहुत बड़ी कंपनी है, जिसमें बाबा कल्याणी करके हैं, जिन्होंने मिलिट्री स्कूल में खुद तरबियत हासिल की है, उन्होंने भी बोला है कि जैसे ही ये लोग बाहर आएंगे, मैं इनको दोनों हाथ से इनको कबूल करने के लिए तैयार रहूँगा। यानी कहने का ये मतलब है कि 4 साल की ट्रेनिंग, और वो भी फौज के साथ, जिसमें इतना बड़ा, देखिए, मॉरल वैल्यूज़ जिसको हम बोलते हैं, इथॉस बोलते हैं, जो एथिक्स बोलते हैं, जो एक समाज में जो हमने इतना बड़ा एक डिसिप्लिन, आपका एक जो हम एक दर्जा हासिल करेंगे, इसको आगे आने वाले दिनों में दोनों हाथ से सब कोई, पूरा समाज कबूलेगा। तो बाकी जहाँ तक सवाल है, 4 साल के बाद कोई गलत रास्ते पर जा रहा है, 40 साल बाद जा रहा है, 50 साल बाद जा रहा है, वो तो देखिए आपके और मेरे बलबूते के बाहर है। लेकिन हमारी कोशिश यही है, समाज की कोशिश यही है, सरकार की कोशिश वही है कि वो सही रास्ते पर जाए और हम होल ऑफ नेशन से ऐसा एक दायरा खड़ा करें कि उसे हर जगह सही कदम लेने के लिए मजबूर होना पड़े। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज तो CMP में हमने सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया था, बट एक्सपेरिमेंट इतना अच्छा है, आज के दिन पे इतनी मांग बढ़ रही है नदर्न कमांड में। हर कमांडर मुझे बोलता है कि मुझे CMP फीमेल ऑफिसर चाहिए, फीमेल जवान चाहिए। तो कोशिश मेरी यही है कि ये हम धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ाते जाएंगे, जैसे कि एजुकेशन कोर में है, उसी प्रकार से बाकी जगह भी है, ये दायरा बढ़ाते जाएंगे। और ये स्कीम वीमेन के लिए भी लागू है, तो ये सबके लिए लागू है, पॉइंट नंबर वन। जहाँ तक इसका सवाल है, आप जैसे सुना होगा आपने, ऑल इंडिया, ऑल सारे देश के लिए है। अभी तक क्या हो रहा है, कुछ जगहों पे आप देखेंगे कि जैसे कल एडिशनल सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट पुरी ने बताया कि 25% जो तकरीबन है, वहाँ से तकरीबन 50% लोग एम्प्लॉय हो रहे थे। तो जब होल ऑफ नेशन अप्रोच है, तो जहाँ से नहीं हो रहा है वहाँ से भी होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ से नेवी में भी जाएंगे लोग, एयरफोर्स में भी जाएंगे, पहले यहाँ से सिर्फ आर्मी में जाते थे। तो हमारा ये है कि जब से यहाँ लोग जो रिक्रूट हों, वो पूरे देश में हर जगह जाएँ, तो वो हमारा है। जहाँ तक पूरे वैकेंसीज़ का सवाल है, जो भारत देश में वैकेंसीज़ जितनी फ़ौज को दी जाएंगी, उससे उतने में ही वो दायरे में रहेगा। बाकी वैकेंसी धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी, जैसे कि हमारा रीस्ट्रक्चरिंग होता जाएगा, रीओरिएंटेशन होता जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आएगा वो प्री कंडीशन के साथ आएगा, प्री स्किलिंग के साथ आएगा। या ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म क्यों, आज आप देखिए, कल ही आपने देखा होगा कि एक अमेरिकन जन बोल रहे थे कि जो हमारे आगे आने वाली फ़ौज है वो टेक्नोलॉजिकली क्वालिफाइड होनी चाहिए, क्योंकि उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिसिस हैंडल करना है। 25% जो फौज है, आप देखिए, सब उसी में जा रही है। आज के हम फ्यूचर वॉर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर वॉर हम क्या बात करते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि जब अमेरिकन सिविल वॉर हुआ था, तो दो अपोजिट पार्टी 75 मीटर की दूरी से एक दूसरे के ऊपर फायर करती थी। क्या आप बिलीव करेंगे कि 75 मीटर की दूरी से एक दूसरे के ऊपर फायर करती थी? लेकिन आज जो हमारा वॉरफेयर का नेचर है, जो हमारा करेक्टर है, वो चेंज हो गया है। करेक्टर क्यों चेंज हो गया है, कि जो वॉयलेंस है वो हमारा वर्चुअल वर्ल्ड में चला गया है। तो ये जो हमारे पास ये जो पॉपुलेशन आ रही है, ये पॉपुलेशन जो है स्किल्ड होगी, और जो हमारे पास नया इक्विपमेंट आ रहा है, जो हमारा नए हमारे पास जो वेपन्स आ रहे हैं, जो हमारे पास नए वर्चुअल वर्ल्ड में, साइबर वर्ल्ड में आ रहे हैं, साइबर वर्ल्ड में आ रहे हैं, जो एजेंसीज में ये चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं, उसके लिए ये यूथ सबसे काबिल रहेगा। क्यों? क्योंकि ये प्री ट्रेंड है।
अगर उसने आईटीआई में पहले ही ट्रेनिंग हासिल कर रखी है, जैसे ड्राइवर है आप मान लीजिए, अगर उसने ऑलरेडी ही ये ड्राइविंग लाइसेंस लिया हुआ है तो क्या होता है, हमें उसे आगे चीज़ें सिखाने के लिए फ़ायदा हो जाता है। तब मैंने उसके अगर उसे स्पेशल गाड़ी की ट्रेनिंग देनी है, टैंक की देनी है, तो मुझे उतनी सहूलियत हो जाती है। मैं खुद ही एक 18वीं बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफ़ल्स का हूँ और मेरे 25% जो 25% ट्रुप्स हैं वो यहीं के हैं, और वो भी जब आए थे तो यंग आए थे। उनमें कुछ ने बोला था जब मैंने उनसे बातचीत की, जब इंटरव्यू लेता था, कि साहब मैं कभी बहक भी गया था बीच में, परंतु मुझे सही रास्ता दिख गया। तो ये जो स्कीम है ये यंग को अट्रैक्ट करेगी और सही रास्ते पे लेके आएगी और इंश्योर करेगी कि वो बहके ना। तो ये एक सही मुकाम है और इस मुकाम में जो भी आएगा हमारे साथ शामिल होगा उसको हमेशा सही रास्ता मिलेगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके पास कोई परसेंटेज है कि कितने लोगों ने मिलिटेंसी ज्वाइन की है? देखिए वो मिनिस्क्यूल परसेंटेज है। तो अगर आपकी बेस जो है नींव ही नेगेटिव है, डगमगा रही है, तो इसका मतलब आपको उस पर विश्वास नहीं है। तो सबसे पहले आपको इस स्कीम पे विश्वास रखना पड़ेगा और 4 साल में हमारा कोशिश यही है कि हम उसको ऐसा रास्ता दिखाएं कि वो आगे आके, वो अभी क्या है, जैसे हम पहले यहाँ पे ये कंपनी रेस करते थे, पोर्टर कंपनी रेस करते थे, जब हमने शुरू में पोर्टर कंपनी रेस की तो वो जवान आता था, मैं बोलता था कि अच्छा आज चलो हम डावर चलते, नहीं नहीं मेरी मम्मी मना कर रही, और वो भाग जाता था। क्यों भाग जाता था? उसे डर लगता था। तो ये 4 साल उसको जो है एक बच्चे से एक जवान बनाएगा। जब वो बच्चे से जवान बनेगा और उसकी तरबियत सही है, जब उसको वही मौलवी सही चीज़ें बताएगा कि कैसे करना है, क्या कार्रवाई करनी है, तो कुरान को किस तरह से आपने इंटरप्रेट करना है वो आपकी मर्जी है। तो जब यूनिट का हमारा जैकलाई का जब उसको मौलवी बताता है कि कुरान का ये मतलब है, तो सही मतलब समझेगा, और फिर वो जब सब जगह काम करेगा, जब वो त्रिवेंद्रम में काम करेगा, जब कोलकाता में काम करेगा, तो उसे पूरे देश का एक अंदाज होगा कि देश कैसा है और वो एक कश्मीरी को किस ढंग से देख रहा है। जब वो जाएगा तो उसको वहाँ भी काम करने का मौका मिलेगा, त्रिवेंद्रम में मिलेगा, बॉम्बे में मिलेगा, हर जगह मिलेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं पढ़ाई के तौर पर, आज राजस्थान में मेवाड़ यूनिवर्सिटी में कितने यहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं और वो कितना अच्छा कर रहे हैं और वो वापस आना चाहते हैं। यहाँ भी बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने यूएस में काम किया है, वो वापस आ रहे हैं यहाँ पे और योगदान देना चाहते हैं कश्मीरियों को। तो ये तो आपका सोचने का नजरिया है कि क्या वो नेगेटिव में ही जाएगा या पॉजिटिव में जाएगा।